हेलो हाय नमस्ते और जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कविता आपका दोबारा से स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है फ्लाइट में बैठने का, वो कैसा रहा वह मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और एयरपोर्ट में जितने भी स्टेप्स होते हैं फ्लाइट तक के बैठने के, सारे स्टेप्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो कैसे कैसे हमको प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो सारा भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो फ्रेंड्स, पहले हम कश्मीर से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे, उसके बाद मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊँगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हम श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। तो किसी भी एयरपोर्ट पर फ्रेंड्स, आप 2 घंटे पहले पहुँचिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं और लाइन भी लंबी लगी होती है। तो ये पूरा जो व्यू है ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, और यहाँ पर जो बाहर स्क्रीनिंग लगी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लाइट का डिपार्चर का टाइम भी शेड्यूल्ड हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर लाइंस लगी होती है, 2-3 गेट्स यहाँ पर होते हैं। जो बाहर यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं वो आपका टिकट यहाँ पर चेक करेंगे और आपका वैलिड ID प्रूफ भी चेक करेंगे। तो जिस भी एयरलाइन से आपने टिकट बुक करा रखी है फ्रेंड्स, वो आपके टिकट को आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके मेल पर भेज देते हैं। तो इनको आप सॉफ्ट कॉपी में मीन्स अपने फ़ोन पर टिकट दिखा सकते हो, या फिर आप उसकी फ़ोटो स्टेट लेकर इनको यहाँ पर टिकट दिखा सकते हो। तो आपका ID प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है या कोई पासपोर्ट है, तो वो आप यहाँ पर इनको दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है एयरपोर्ट के अंदर एंट्री का। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वेब चेकिंग। वेब चेकिंग आप पहले भी कर सकते हो या फिर एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद भी यहाँ पर जो मशीन्स लगी होती है वहाँ से भी आप वेब चेकिंग कर सकते हो। जिसका एडवांटेज ये है कि आपको जो फेवरेट सीट है विंडो वाली वो आपको मिल जाएगी, बट उसका कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। सेकेंड स्टेप आता है फ्रेंड, यहाँ पर अपना बोर्डिंग पास लेना। तो यहाँ पर मैं टिकट काउंटर पर पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे अपना ID प्रूफ और अपना टिकट जो मेरे मेल में या व्हाट्सएप में पड़ा हुआ वो दिखाना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर बोर्डिंग पास मिल जाएगा। और जो यहाँ पर हमारे पास लगेज होता है फ्रेंड्स, उसका वजन जो होना चाहिए 15 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर देनी होगी। और यहाँ पर मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है, जिसमें सीट नंबर बोर्डिंग टाइम भी लिखा हुआ है। और उसके बाद हम जाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अपना 7 kg वाला बैग मीन्स आपका हैंड बैग, आपका पर्स, वो सब जाएगा, और अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको इसी बैग में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा, कितना खूबसूरत है नज़ारा, और हमारे 7 kg वाले बैग और हमारा हैंड पर्स हमारे पास है, और आप डायरेक्टली यहाँ से फ्लाइट का व्यू भी ले सकते हो। तो सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर तीसरा स्टेप है। इसमें क्या होगा, आपका जो 7 kg का पूरा बैग होगा उसको एक कंप्लीट ट्रे में खाली करना होता है। जितना भी सामान आपके पास है, मेटल का, आपकी बेल्ट वगैरह हो गई, आपका हैवी सामान जो है वो सारा ट्रे में खाली होगा। उस सब की स्कैनिंग यहाँ पर होगी और आपकी पूरी बॉडी की भी यहाँ पर स्कैनिंग होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम आगे चले गए हैं। तो यहाँ पर आगे जाने के बाद अब फ्लाइट की ना अनाउंसमेंट होती है। तो 1/2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले यहाँ पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक यहाँ पर लाइन बनेगी, ओके, फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए। तो देखिए आप, इस तरह से यहाँ पर लाइन बन चुकी है, उसका अनाउंसमेंट लगातार होता रहता है। अगर फ्लाइट में कुछ डिले है, कुछ भी है, तो अनाउंसमेंट सारा एयरपोर्ट पे वो आपको सुनाई देगा। और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। तो फ्लाइट में या तो यहाँ पर डायरेक्ट एक सिस्टम बना होता है अंदर जाने के लिए, या फिर कई बार हमको सीढ़ियों से भी फ्लाइट में जाना होता है। तो आइए देखते हैं फ्लाइट के अंदर का व्यू। फ्रेंड्स, फ्लाइट में फाइनल जाने से पहले एक और बार आपका बोर्डिंग पास यहाँ पर चेक होता है, और उसके बाद आपको फाइनल फ्लाइट में एंट्री मिलती है। तो ये सारी सीट्स हमारी फ्लाइट के अंदर होती है। तो आप देख सकते हो हम सबसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर बोर्डिंग जो सीट लिखा है वहाँ पर आपको बैठना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो कैबिन बने हुए हैं वहाँ पर अपना सामान, जो एक्स्ट्रा सामान है 7 kg वाला, वो आप प्लेस कर सकते हो। और फाइनली फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर विंडो सीट ली थी, वो हमें मिल चुकी है विंग के सामने वाली। और जो यहाँ पर फ्लाइट का स्टाफ होता है, वो जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स जितने भी होते हैं फ्लाइट के अंदर, वो सारे वो आपको अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताएंगे यहाँ पर। और ऊपर फ्रेंड्स,
जो फ्लाइट के जो ऊपर की साइड है वहाँ पर 3 बटन होते हैं, फैन के लिए, लाइट के लिए, और अगर आपको कुछ चाहिए, ओके, पानी वगैरह कुछ मंगवाना है तो आप वो बटन वगैरह प्रेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारी स्टिक सीट के ऊपर क्या है, 3 बटन्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से हम दूसरी वाली जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट है उसका भी नज़ारा यहाँ से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ अंदर का व्यू फ्लाइट का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने के लिए रेडी है अब। तो फ्रेंड्स ये पहले स्लो स्लो टेक ऑफ होती है, तो थोड़ा मेरा बेटा जो प्रिंस है वो हल्का बहुत डर भी रहा था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स अनाउंस होता है कि आपको जो अपना नेट है, जो अपना मोबाइल है, उसका जो उसको ना फ्लाइट मोड पे या फिर स्विच ऑफ करके रखना होगा। अगर आपके पास कुछ डाउनलोड उसमें पड़ा हुआ है फ़ोन में तो वो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका नेट क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है फ्लाइट में बैठने का। और ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे फ्लाइट चलना स्टार्ट हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो फ्लाइट है उसने एकदम से स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो एकदम ये रनवे में ना बहुत तेज़ी से भाग रही है फ्लाइट हमारी। तो अभी मुझे सारा का सारा जो है वो फील हो रहा है कि कितनी तेज़ी से हमारी जो फ्लाइट है वो भाग रही है आगे के लिए, और ये बस टेक ऑफ होने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स ये सारा मुझे अभी फील हो रहा है इस टाइम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो फ्लाइट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है अब, और हम ज़मीन से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अभी फ़्लाइट थोड़ा सा और हाइट पकड़ रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जितना मैं हाइट पे जा रही हूँ ना, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है मैं एक स्टेबल उसमें आ चुकी हूँ, एक स्टेबल फॉर्म में आ चुकी हूँ। तो बाहर की तरफ अगर विंडो से देखती हूँ तो ये खूबसूरत सा नज़ारा है, जहाँ पर बस बादल ही बादल है और फ्लाइट आगे जा रही है, और मुझे कुछ भी यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है। बट ये खूबसूरत से बादल मुझे बाहर दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी और भी ब्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।